गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बेटा? आज हम आपकी पुस्तक नव तरंग का पार्ट तीसरा पढ़ेंगे। जैसे आपको मैंने पहले आ की मात्रा का बताया था पार्ट दो, आज हम करेंगे पार्ट तीन पिकनिक। इसमें हम ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। सामने देखिए सब, इसे हम कैसे पढ़ते हैं? ई, ये ई की मात्रा का चिन्ह है। देखिए, क को ई की मात्रा की, ग को ई की मात्रा की, ची, ती, मी, ली, सी। ठीक है, आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। ए क ए, द को ई की मात्रा दी, न दिन। एक दिन सब मित्र पिकनिक पर गए। मित्र क्या होते हैं? दोस्त। सब कहाँ पर गए? पिकनिक गए। व ई की मात्रा वी, ब को आ की मात्रा बा, वी बा चटाई लाई। अमित गिटार लाया, नीदि मिठाई और फल लाई। ठीक है, तो देखो बेटा, विभा क्या लाई? चटाई लाई। अमित गिटार लाया, निधि मिठाई और फल लाई। आगे देखिए, घास पर चटाई बिछाई, गिटार बजाकर गाना गाया। घास पर चटाई बिछाई और गिटार बजाकर गाना गाया। आगे देखिए, मिल मिल कर कर, मिल कर मिठाई और फल खाए। इस तरह पिकनिक पर बड़ा मजा आया। बेटा ये था आपकी पार्ट का, ये आपकी बुक का पार्ट तीसरा है। आपके पास मैंने पीडीएफ दी है, उसमें से आप अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे देखिए, बोल बोल कर पढ़े, किला दिन दिल बिल, मित्र किरण किताब, किसान किवाड़, तिलक तिलक, गिलास चिमटा चिड़िया, टिकट डिबिया, छिलका तिनका, दलिया विमान तकिया। तो बेटा आप इसको खुद से आप पढ़ेंगे अक्षरों को जोड़ जोड़ कर। अब आगे देखिए, पिकनिक पर पहले क्या और फिर क्या हुआ, तो एक दो तीन नंबर लिख करके हमने बताना है। सबसे पहले पिकनिक पर क्या था, उन्होंने प्लान किया कि हम पिकनिक के लिए जाएंगे। फिर उन्होंने सारा सामान लिया, गिटार चिटाई ली साथ में। फिर क्या किया, उन्होंने बिछा करके मजा किए, खाने लग गए और गाना बजाया। फिर फोर्थ नंबर आ जाएगा, फिर क्या किया उन्होंने, अपने घर को वापिस आने लगे। आगे देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बेटा, सब मित्र कहाँ गए? पिकनिक। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, जब हम बुक्स ले लेंगे, हमारे पास बुक होगी, हम फिर दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, विभा क्या लाई? चटाई। गिटार कौन लाया? अमित। सबने मिलकर क्या खाया? मिठाई और फल। तो चित्र को देख करके आप इस पर मात्रा लगाएंगे। यस, विमान तकिया गिलास चिड़िया। तो आपको बेटा इसमें ई की मात्रा लगानी है। तो ये जब हम बुक लेंगे, फिर हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, अभी आपको इस पार्ट को जो मैंने पीडीएफ सेंड की है, उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे और जो मैं आपको वर्कशीट दूंगी उसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।